दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल कॉम्पैक्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं नवंबर का नज़ारा अपने गार्डन का आपको दिखा रही हूँ। फुल ब्लूमिंग पे मेरे गुड़हल के प्लांट्स हैं, इस वक्त छोटे छोटे गमलों में लगे हैं, लेकिन बहुत ही मस्त इसमें फूल आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। गुड़हल की 6 कम से कम मेरे पास वेराइटी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी मल्टी क्रॉपिंग कैसे करें और मेरे जो गार्डन का नज़ारा नवंबर के महीने में क्या चल रहा है इसी पे है। ये देखिए वाइट गुड़हल अभी अपनी फुल ब्लूमिंग पे हैं। ये येलो कलर का गुड़हल है, बहुत सारी बर्ड्स निकल रही हैं, अभी बहुत सारी बर्ड्स निकल रही हैं। ऑरेंज कलर देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे एक छोटे से इसमें कितना बड़ा फ्लावर निकला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये नवंबर का नज़ारा है मेरे गार्डन का। मेरे टमाटर के प्लांट्स फ्रूटिंग को तैयार हैं, खूब सारी फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने इन्हें डोरी बांध के सपोर्ट दिया है ताकि प्लांट लटके ना। साथ ही मैंने अपने ग्रो बैग्स और कुछ गमलों में ब्रोकली लगाई है, फूल गोभी लगाई है। और दोस्तों इन्हीं के साथ ही मैंने इसमें कुछ मल्टी क्रॉपिंग भी की है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ प्लांट ब्रोकली के मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं और कुछ अभी छोटे छोटे हैं। मैंने ब्रोकली लगाई है और ये ब्रोकली के साथ मैंने पालक की मल्टी क्रॉपिंग की है। मल्टी क्रॉपिंग हमारे पास जगह बहुत कम होती है और हमारा मन करता है कि हमारे घर में पालक भी हो जाए, धनिया भी हो जाए, मेथी भी हो जाए, तो ये एक बहुत बढ़िया विकल्प है कि कम जगह में हम दो दो तीन तीन फसलें ले लें। लंबे समय की जो ब्रोकली गोभी इस तरह की सब्जियां होती हैं, तीन तीन महीने की सब्जियां, तो इन सब्जियों के साथ हम कम समय की सब्जियों के बीज डाल के इस तरह से ये मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। देखिए ये कितनी बढ़िया पालक हो रही है और साथ में कहीं कहीं पर धनिया भी हो रहा है। दोस्तों ये फूल गोभी की पौध है, देखिए मैंने पूरे बैग में ये फूल गोभी का प्लांटेशन किया है और फूल गोभी के साथ मैंने ये धनिया की मल्टी क्रॉपिंग की है। बीच बीच में लाई के पेड़ भी हो रहे हैं, कितना बढ़िया इसमें धनिया जमा है देखिए। क्योंकि हम फूल गोभी को 90 दिन में हार्वेस्ट करते हैं और धनिया, हरी धनिया हमारी एक महीने से, मतलब 30 दिन से 40 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। इस तरह मैंने अपने सारे बैग्स में मल्टी क्रॉपिंग की हुई है। ये पूरे बैग में मेरी ये फूल गोभी की का प्लांटेशन है। यहाँ पे बहुत अच्छी मेरी फूल गोभी की ये पौध हुई है, अब तंदुरुस्त हो गई है। मैं धनिया को निकालते रहूँगी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, बीच बीच में धनिया में निकालते रहूँगी। देखिए पूरी फूल गोभी के बीच बीच में मैंने ये धनिया बोया हुआ है। छोटी सी जगह में दो दो सब्जियां मेरी एक साथ, दो सब्जियां एक साथ पैदा हो जाती हैं। मेरी ब्रोकली है, ब्रोकली के साथ ये देखिए मैंने मेथी की क्रॉपिंग की है। ब्रोकली के पौधे तंदुरुस्त हो गए हैं, अभी मैं मेथी को उखाड़ के इसकी सब्जियां बना लूँगी। पूरे बैग में करीब मेरे 30 पेड़ ये ब्रोकली के मेरे इस बैग में तैयार हुए हैं। ये बंदरों से बचने के लिए मैंने इसमें डाल रखी हैं लकड़ियाँ ताकि बंदर इसमें कम उपद्रव फैलाए। अब जब इसमें फल आने लगेगा तो मैं इसे ग्रीन नेट से ढक दूंगी। पूरी मेथी इसके बीच बीच में ये देखिए मेथी की सब्जी मेरी बिल्कुल तैयार है। छोटे ग्रो बैग में भी मैंने ब्रोकली के साथ ये मेथी की बोई है, मेथी के बीज बो दिए थे। तो अब मेरे ब्रोकली के पेड़ जो है अच्छे हो गए हैं, अब मैं मेथी को
इसको निकाल के इसकी भुजिया बना लूँगी। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है कि आप छोटी सी जगह में तीन तरह की सब्जियां कैसे उगा सकते हैं। किसी बैग में आप अगर लंबे समय की 90 दिन की सब्जी लगा रहे हैं तो किसी में पालक डाल दीजिए, किसी में मेथी डाल दीजिए, किसी में धनिया डाल दीजिए, तो दो दो फसलें आप एक साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों यही नज़ारा है मेरा नवंबर और दिसंबर के महीने का मेरे गार्डन का। और अब ये थोड़े दिन में फ्रूटिंग करने लगेंगी, फिर मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसी इनमें ब्रोकली में और फूलगोभी में कैसी फ्रूटिंग हो रही है। और ये फूलगोभी भी अब फल देने के लिए तैयार है। अब मैं इसकी जब फ्रूटिंग होगी, इसकी हार्वेस्टिंग फ्रूटिंग आपको दिखाऊंगी। तंदुरुस्त पौध जो देख रहे हैं, इसका एक सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ। मैं ये सब्जियाँ उगाती हूँ, ये पूरी तरह मेरी सब्जियाँ ऑर्गेनिक हैं। मैं गोबर की डिकम्पोस्ट खाद और अपनी बनाई घर में बनाई हुई डिकम्पोस्ट खाद डालती हूँ। देखिए ये तीन तीन बैग जो हैं गोबर की खाद के अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं। और मैं बीच बीच में जब ये फ्रूटिंग के लिए तैयार होगी तो उस समय एक बार फिर इसमें खाद डालूँगी। तो ये पूरी तरह ऑर्गेनिक सब्जियाँ मेरे घर में पैदा हो रही हैं, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई गार्डनिंग से संबंधित जानकारी अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। फिर मैं किसी नई जानकारी के साथ दोस्तों आपको मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।